स्नेहितरे, आज मैं कर्नाटका के फर्स्ट टाइम वोटर्स, जो पहली बार मतदान करने वाले हैं, जिनकी 18 साल की उम्र हुई है, मैं आज इन फर्स्ट टाइम वोटरों से सवाल करना चाहता हूं। मेरे सवाल को समझे, सोचे, क्या कर्नाटका का विकास ऐसी कांग्रेस पार्टी कर सकती है जिसका लक्ष्य भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण हो? कर सकती है क्या कांग्रेस? भला कर सकती है क्या? जरा पूरी ताकत से बताइए, कर सकती है क्या कांग्रेस? हमारे नौजवानों का भविष्य बना सकती है क्या? आपके पिताजी को, माताजी को, दादा दादी को जो मुसीबतें झेलनी पड़ी, ये मोदी आपको ऐसी मुसीबतों से गुजरने देना नहीं चाहता है। आपके माता पिता को जो तकलीफ पड़ी, वो तकलीफ है अब मोदी हटाना चाहता है ताकि आप आगे बढ़ सके। भाइयों बहनों, क्या 85% कमीशन खाने वाली कांग्रेस कर्नाटका के नौजवानों का भविष्य बना सकती है? बना सकती है? जोर से बताइए, बना सकती है? कभी नहीं बना सकती दोस्तों। कांग्रेस ने कभी देश के नौजवानों के बारे में नहीं सोचा। ये बीजेपी की सरकार है जिसके रहते पिछले 9 साल में देश में हर 2 डेज में हर दूसरे दिन एक नया कॉलेज बना है। ये बीजेपी सरकार है जिसके रहते पिछले 9 साल में एवरी वीक, हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी बनी है। ये बीजेपी सरकार है जिसके रहते पिछले 9 साल में देश में 300 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज बने हैं। ये बीजेपी है जिसने देश के युवाओं को कदम कदम पर अपने कागज अटैच कराने के परेशानी से मुक्ति दिलाई है। ये बीजेपी है जिसने ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों से इंटरव्यू की परंपरा और भ्रष्टाचार के दरवाजे बंद कर दिए हैं। ये बीजेपी है जिसने देश के नौजवानों की समस्याओं को समझा। कांग्रेस कभी नहीं समझ पाई कि बैंक से मदद लेते हुए नौजवानों को कोई गारंटी देने में कितनी दिक्कत आती। देश के नौजवानों की ये परेशानी हमने समाप्त कर दी। बीजेपी सरकार नौजवानों की गारंटी खुद मोदी ले रहा है, मुद्रा योजना के द्वारा ले रहा है। आज मुद्रा योजना के तहत देश के नौजवानों को बिना गारंटी 20 लाख करोड़ रुपए, 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मदद दी गई है। इस योजना ने देश के करोड़ों नौजवानों को अपना रोजगार शुरू करने में मदद की है। इसका लाभ कर्नाटका के, शिवमोगा के भी हजारों युवाओं को मिला है।